वकील से बात हुई तुम्हारी या नहीं? देखो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों रही हो? बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। तो क्या मैं यहीं बैठी रहूंगी क्या? अरे एक सेकंड, मैंने दूसरा वकील मंगाया है, आता ही होगा थोड़ी देर। सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां नीति जेल से रिहा होना चाहती है क्योंकि उसकी शादी का मुहूर्त जा रहा है। संजू तुम अकेले आए हो, वकील कहाँ है? किसी वकील से बात हुई तुम्हारी या नहीं? देखो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों रही हो? बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। जी हाँ, सीरियल परिणीति में इस समय जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। जहाँ नीति और संजू की माँ जेल में होती है, तब संजू पुलिस स्टेशन आता है। संजू! नीति उसे आवाज देकर बुलाती है और कहती है, संजू जल्दी करो, कुछ करो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, मुहूर्त जा रहा है, हमें शादी करनी है। देखो शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। हमारी शादी किसी भी हाल में आज होनी ही चाहिए। तुम कुछ बोल क्यों रही हो? बोलने दोगी तो कुछ बोलूंगा ना नीति। वही संजू जब पुलिस वालों के पास जाता है तो वे उसे बताते हैं कि नीति का वकील भाग चुका है और अब उसे दूसरा वकील करना पड़ेगा, नहीं तो नीति को काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। आप ये पेपर से साइन करना जरूरी है, तो बोल रहा हूं। एक अच्छे लॉयर का इंतजाम कीजिए, वरना मिस नीति यहां से छूट के भाग। संजू पुलिस वालों से कहता है, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया, आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। इसके बाद पुलिस वालों ने संजू की माँ को रिहा कर देते हैं। तो माँ और माता लोग तो ऐसे होते हैं ना, जब भी बच्चे को मुसीबत आती है तो माँ अपने ऊपर ले लेती है। हमने भी बस ऐसे ही किया है सर। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आंटी जी को खाली कर दीजिए प्लीज। सुखविंदर जी को वहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब नीति संजू से कहती है, तुम किसी भी तरीके से मुझे यहाँ से निकालो, शादी की मुहूर्त जा रही है। संजू कहता है कि वह दूसरे वकील से बात कर रहा है, लेकिन नेटवर्क ना होने के कारण वह बाहर चला जाता है।